तो अभी हम लोग यहाँ से तीसरे घर की तरफ जा रहे हैं। किसी किल किया गया? हाँ, पेंटिंग की गई है ना, किल किया है। और इसलिए तो पूरी पेंटिंग देखो ना मिटाई गई है। और ये क्या है भाई? वायर्स है ना, देख ना कितने पुराने हैं। तो खुद आप लोग समझ सकते हो कि ये जो घर है वो कितना पुराना है। और ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आता होगा, पूरा देखो टूटा हुआ है। धीरज भाई आराम से चलो। और धीरज भाई पीछे नहीं भाई, बच गया। अभी तो हो जाता भाई। तो अभी हम लोग यहाँ इस तरह से देखो, हर जगह में साइन लगा हुआ। ये भी देखो, एक फोटो देखो इस तरीके से बनाया हुआ। एक इशारा है या क्या है पता नहीं, किसी चीज का तो बनाई गई है। और इस चीज को देखो मिटाया गया। ये तो आग दिख रही है। हाँ, तो आग दिख रही है। और ये मुंह एकदम जैसे ड्रैगन टाइप का नहीं क्या बनाते, पूरा घोस्ट टाइप। तो अभी ये जगह कौन सी है मैं दिखाना चाहता हूँ। ये शायद वॉशरूम था क्या? नहीं, ये पता नहीं क्या था। और ये देखो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि इस समय यहाँ पे भी पूरी जाली लगी है। इंफिनिटी पावर। और यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है सारी नेगेटिव चीजें, सब कोडेड और सारी नेगेटिव। और ये देखो, देख रहे हो आप लोग, पूरा देखो जाला पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे भी यहाँ पे भी देख लो आप लोग, पता नहीं कैसे कैसे डिजाइन और पेंटिंग की गई। हर जगह देखो आपको पेंटिंग दिखी जाएगी। यहाँ पे भी देखो कुछ पेंटिंग की गई। और यहाँ पे देखिए पता नहीं कुछ चीजें लिखी गई है। फोर ट्वेंटी एम एंड 360, मतलब यहाँ पे शायद ऐसा होगा कि 3 बज के। ये देखो गोस्ट का चेहरा दिख रहा है। और देखो ब्लर हो गया, ब्लर हो। और ये देखिए गोस्ट का चेहरा बनाया गया, दिख रहा है आप लोगों को? ये सब साइन मिटाने की कोशिश की है, पूरा साइन मिटाने की कोशिश की गई है। देखो कैसी है। और यहाँ पे देखो गोस्ट का चेहरा बनाया गया है। और यहाँ पे स्केलेटन टाइप बनाया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को पेंटिंग देखो नजर आती होगी। ये देखो, ये देख रहे हो हिट किल, वन हिट किल MSFIS। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ना क्या है, ये रैबिट जैसी चीजें बनाई गई है। और वो रैबिट को किल किया। ये पेंटिंग का पार्ट नहीं, ये पेंटिंग का पार्ट नहीं। एक बात आप लोग ने ये किए क्या, नोटिस किए क्या कि हर पेंटिंग मिटाने की कोशिश की, बट ये पेंटिंग देखो कितनी ताजी दिख रही है अपने को। ये मेरे को लगता है अभी चीजें बनाई गई होगी। देख अभी फ्रेशली ऐसा कुछ नहीं, कुछ पुरानी यही नहीं है इसके ऊपर। और यहाँ पे देखो ये पेंटिंग आप लोग नजर मारिए, ये पेंटिंग देखो डबल मुंडी दिखाई गई है। देख लो मतलब क्रॉस, हाँ देखो क्रॉस ऊपर देखो, और यहाँ पे डबल मुंडी दिखाई गई है। मतलब टूटी चीज है, देख रहे हो पूरी, देखो जाली वाली है। देखो पूरा यहाँ पे देखो दिमाग लगा हुआ है दीवार में यार। आप लोग खुद देखो, देख सकते हो कैसे यहाँ पे जाली है, यहाँ पे सारी चीजें बनाई गई है। और धीरज भाई ऐसा ना हो जाए मैं कैमरा सामने लेके जाऊँ और यहाँ से फट देने को ही आ जाए। तो अभी हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे, ये वाला रूम तो दिखा दिया। इधर क्या लिखा है, विच वाज हेल्प नीड 100। कुछ ना कुछ हर जगह आपको दिखाई देगा कोडेड। ये देखो ना, वाज हेल्प नीड 100। हाँ ये कोडेड है ना भाई, वही तो बोल रहा हूँ, यही तो खासियत है इस हॉन्टेड रूम की। और उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, HM पता नहीं क्या। ये सारी चीजें अच्छा हुआ, मुझे लगता है कि इसको नष्ट करने की, पूरा नष्ट करने की तादाद पे इन लोग लेके आ गए और पूरा नष्ट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग इस तरफ से ये साइड आते हैं। भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, कोई आगे जाए, कोई भी आगे जाए मैं तो नहीं जाऊंगा। तो अभी देखो यहाँ से हम लोग इस तरफ आ चुके, ये वाला रूम की तरफ अभी हम लोग आ गए। और ये देख सकते हो आप लोग पूरा देखो कैसे किस तरीके से। बाप रे, यहाँ पे भी एक रूम है, मतलब एक घर के अंदर इतने सारे रूम होना। ओ माय गॉड, पता नहीं ये सारी चीजें क्या क्या चीजें, कैसी कैसी चीजें बनाई गई यहाँ पे, जो मिटाई गई है नष्ट की गई है। आराम से नहीं, वो स्टार टाइप दिखाया गया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कैसे पूरी चीजें, अरे बाप रे बाप, पूरा नष्ट किया। और यहाँ पे देखो आप लोगों को पेंटिंग्स थी, जो लोग खाली देखो ना, खाली पेंटिंग छुपा हुआ है। मेरे को इसका कोड मिल गया ना, और पूरा पूरा हॉन्टेड जैसा देखो। हाँ, और वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है। लेकिन आप ये देखो ना, खाली पेंटिंग कौन भाई, देखो ना ध्यान से देखो, ये देख रहे हो सारी चीजें। और यहाँ पर ऐसा है कि देखो पेंटिंग ही छुपाई गई है और कलर नहीं किया गया, मतलब यही तो राज है इस पेंटिंग का ही तो खेल था। ये पेंटिंग का ही खेल था जो यहाँ पर लोग ने पूरा मिटा दिया। और ये देखो यहाँ से देखो पूरा टूट चुका है। तो भाई मुझे लगता है यहाँ से अपने को निकलना चाहिए। मेरी बात यहाँ से निकलना चाहिए अभी।
यहाँ से निकलना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी देखो टाइम 3 बजने आ रहा है, तीन बजने को देखो 5 मिनट बचे हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से धीरज भाई आराम से निकलो। और यहाँ पे देखो ऊपर भी बहुत सारे रास्ते हैं और पूरा हर चीजें टूटी गई है, मोस्ट हॉन्टेड हाउस, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या कहते हैं पता है, पहले यहाँ से निकलते हैं आराम से धीरज भाई, यहाँ पे रात के समय आवाजें आती है। तो हम लोग अभी यहाँ से तो निकल रहे हैं, पर हम लोग ने कोशिश किया कि आपको सारी चीजें बता दें। एक बार मैं आप लोगों को बाहर के थ्रू बताना चाहता हूँ, ये देखिए पूरा जंगल है और जंगल के बीच में एक हॉन्टेड हाउस होना, तो आप लोग समझ सकते हो कि वो कितने नेगेटिव चीजों से भरा होगा। लेकिन हम लोग अंदर गए और अंदर कम से कम लेने बोल के तो कितना जुड़ा रहेगा। अरे ये देखो ना, एक देखो झाड़ इधर है और ये देखो ये घर है, देख रहे हो, ये हाउस है, मोस्ट हॉन्टेड हाउस। तो रात के 3 बजे हम लोग यहाँ पे आए आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे बाहर की तरफ भी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ झाड़ या पेड़ सारी चीजें यहाँ पे काटी गई है, और वहाँ पे तो ऐसी चीजें बांधी गई थी कि जैसे कोई एंट्री ना कर पाए। तो सारी चीजें हम लोग ने यहाँ से आप लोगों को दिखा दी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग एक बार यहाँ से रास्ता देख लीजिए जिस रास्ते से हम लोग आए थे, पूरा देखो हॉन्टेड रास्ता है। यहाँ से भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ये वो घर है और यहाँ पे ऊपर देखोगे आप पतरा पूरा पेड़ से ढका हुआ है, मतलब समझ सकते हो आप कितना हॉन्टेड चीज है। अभी हम लोग को संभाल के यहाँ से निकलना होगा। और जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो रास्ता है वो इतना हॉन्टेड है, ये देखिए, ये देखो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल जंगल दिखने मिलेगा। ये क्या कौन देख रहा है, कुत्ता है क्या, कुत्ता ही है कि कोई दूसरा है, कुत्ता है। चलो अभी देखो हम लोग को यहाँ से कहाँ से आए थे हम लोग, यहीं से आए थे क्या, मतलब वो अपने को डायरेक्शन बता रहा है, मतलब ये जो डॉग है वो हम लोग को डायरेक्शन बता रहा है। नहीं देखो सुनो, वो कुत्ता अपने साथ में अंदर नहीं आया लेकिन यहीं पे खड़ा है वो। हाँ, और ये कुत्ता देखो देखो, हाँ वो डायरेक्शन तो नहीं बता रहा अपने को, ये कुत्ता हमको डायरेक्शन बता रहा है। अभी तक समझ में नहीं, कुत्ता अपने साथ अंदर नहीं आया कुत्ता, लेकिन वो बाहरी बाहरी साइड खड़ा था, रास्ता बता रहा है। ये देखो ये रास्ते से हम लोग आए थे, तो अभी हम लोग यही रास्ते से जा रहे हैं। और सीरियसली बता रहा हूँ, हम लोग की तो पूरी फटी पड़ी है आराम से, बता रहा है ये बहुत अजीब बात है। बरोबर देखो। और यहाँ से आप लोग खुद देख सकते हो कितना डरावना रास्ता है, आराम से धीरज भाई, कितना डरावना रास्ता देख सकते हो आप लोग। और ये देखो हम लोग आ चुके हैं, एक बार यहाँ से देखो, ये देखो। तो अभी देखो हम लोग इस रास्ते से ही वापस घर की तरफ जा रहे हैं और कुत्ता हमें डायरेक्शन दिखा रहा है, वो आगे जा रहा है। और आप लोग खुद देखो रास्ता कैसे खराब है। और यहाँ पे अगर मैं एक बार नीचे की तरफ कैमरा घुमाता हूँ तो आपको नजर आता होगा कि पूरी खाई है नीचे और यहाँ पे पूरा समुद्र है, देख रहे हो। तो अभी हम लोग कैसे भी करके यहाँ से बच के निकलते हैं जल्दी से, और उसके बाद आपको डायरेक्ट मिलते हैं गाड़ी में। संभाल के धीरज भाई, संभाल के चलना। और ये देखो पूरा जंगल है, संभाल के जाना भाई। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए और जैसे आप लोगों ने देखा वो रास्ता कैसा था, और सिर्फ हम लोग ने सुना था यार, हम लोग जाके वो फील नहीं लिए थे, लेकिन आज वो जाके फील लिया कि वो रास्ता कैसा था। और बाकी ये साइड आप लोगों ने देखा कि पूरी नदी थी और ये साइड पूरा जंगल था। तो एक एक एक्सपीरियंस अपना सब लोग बताएंगे कि क्या चीजें आप लोगों को नोटिसेबल हुई। धीरज भाई आपको क्या हुआ? मेरा सबसे अच्छा मुझे लगा जब हम लॉक खत्म करके आ रहे थे तो एक कुत्ते ने हमें एक वो रास्ता दिखाया, और लेकिन ये डाउट है कि वो अंदर क्यों नहीं आया, वो बाहर खड़ा था पर बंगले के अंदर नहीं आया, तो वो एक चीज एक डाउट हुई, लेकिन वो अच्छा लगा, मतलब वो ऐसा दिखा रहा था, मतलब हाँ, वे भी शायद वो दिखा रहा था, दिखाया आखिरी तक छोड़ा उसने, आखिरी तक छोड़ा। और आदर्श भाई तुम्हारा कुछ ऐसा नोटिसेबल, और जाते समय आदर्श भाई सो गए थे लेकिन अंदर हम लोग नींद नहीं उड़ गई मेरी उधर से डर के मारे, चमगादड़ भाई अचानक जैसे धीरज भाई अंदर घुसे वैसे चमगादड़ उड़ा। और शाहरुख भाई आपने वन किल विल बी बैक, वो जो कोड वर्ड था यार ब्रो, बहुत डेंजर था यार वो जो कोड वर्ड लिखा था, क्योंकि लिखने वाले लोग ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, सोचने वाली बात है भाई। और सेकंड चीज कि पूरे जंगल नदी वो सारे बीच में ये हॉन्टेड प्लेस होना, और इसके लिए मुझे लगता है ये लोगों ने छोड़ छाड़ के चल दिए रहेंगे, लेकिन मेन मकसद बनाया है क्यों, पेंटिंग कोई इंसान अगर समझो जो आप लोगों ने देखे पेंटिंग मिटाने की कोशिश की है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। किसी को अगर बनाना है तो पहले वो रूम को दरवाजे लगाएगा, खिड़की लगाएगा, पहले घर के अंदर कलर मारेगा, हाँ, पहले पेंटिंग ही क्यों पेंटिंग बना दी। बरोबर सही बात है, नोटिसेबल चीजें है क्योंकि पेंटिंग के वजह से लोग कहते थे कि नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स सारे आते थे,
और बहुत सारे अफवाह थे वहाँ पे, हम लोग गए एक्सप्लोर किए, देखे आप लोगों को सारी चीजें दिखाई, तो हमें तो कुछ चीजें वहाँ पे नोटिसेबल नहीं हुई, लेकिन हाँ वो बैट, वो चमगादड़ या जो भी चीजें दिखानी हुई आप लोगों ने सामने देखा, हम लोग वो रास्ता भी दिखा, इतने डरावने रास्ते से हम लोग जा रहे थे, और बस जो भी चीजें आप लोगों को हम लोगों ने दिखा दी होगी। तो अगर आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग कोशिश यही रहती है कि हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें हम लोग पता करें, सर्च करें, और आप लोग का हेल्प बहुत मिल जाता है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हो। तो ऐसे ही अगर आप लोगों के माइंड में या कहीं पे भी आपको पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, फॉलो करो और वहां पे आप लोग बता सकते हो क्या है कैसा नहीं है। तब तक इस वीडियो को दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसका नाम है विजय पवन सिंह। टिल देन जाते अभी हम लोग सोते हैं यार, ठीक है, बाय बाय यार। लेकिन डरावना जगह था, मैं तो वो फट गई थी भाई।